all are fine. Welcome back to our maths class. In previous lecture, we have learned plane shapes, solid shapes, and open and closed figure. Okay? In this lecture, we are going to learn first of all a point, a line, and a line segment. तो point किसको कहते हैं, line किसको कहते हैं, line segment किसको कहते हैं, वो अभी हम सीखेंगे. So first of all, a point. Point किसको कहते हैं? A point is an idea which is represented by a small dot. Small dot होता है. उसको क्या बोलते हैं? Point बोलते हैं. It is named by a capital letter of the English alphabet. तो जो डॉट है, हमने डॉट लिया, तो हम उसको नेम, उसका नेम कैसे रख सकते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर से. ओके. अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, हाइट, साइज और शेप. तो पॉइंट होता है नहीं, उसको हाइट होती है, ब्रेथ होता है ना, लेंथ होती है, उसकी साइज तो छोटी होती है, एंड शेप. ओके. इट हैज अ पोजीशन ऑनली, मतलब कि हमने एक पॉइंट कर दिया तो वो क्या है, एक पोजीशन है उसकी. फॉर एग्जांपल हमने 3 डॉट दिया. ओके. ए, देन बी एंड सी. ओके. दिस आर द 3 डॉट्स. ओके. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. ओके. दे आर नेम्ड बाय ए बी एंड सी, कैपिटल ए बी एंड सी. आप देख सकते हो हमने कैपिटल लेटर्स में उसका नेम दिया है और डॉट है ना, तो सो ये डॉट है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. ओके. क्या कहते हैं इनको? पॉइंट कहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट अ लाइन. ओके. सो लुक एट द क्रीज, लुक एट द क्रीज एट द फोल्ड ऑफ योर नोटबुक और पेज. आप कोई भी पेज लो या फिर आपकी बुक लो, आप उसको फोल्ड करोगे, फिर आपको ऐसे करना है. ओके. फिर आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी. ओके. ये क्या है? इट इज अ लाइन. ओके. देन द साइड्स ऑफ योर रूलर आर आल्सो लाइन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रूलर. ओके. रूलर मींस स्केल. ओके. तो इसकी जो साइड्स है उसको भी क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. ओके. A line can be extended to any length on both sides. तो आपको एक लाइन बनाना है. ओके. और उसको नेम देना है A एंड B. दिस इज नेम्ड A एंड B. द एरो ऑन बोथ साइड शो दैट इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली. ओके. मतलब कि एरो आपको इधर दिखता है ना, तो क्या शो करता है कि वो आपके एंडलेसली आपको एक्सटेंड कर सकते हो, आप जितना भी चाहे उतना उसको आगे या फिर पीछे ले जा सकते हो. क्यों? क्योंकि इसको एरो दिया है इधर. क्या ये क्या है? लाइन है ना, और एरो है मींस कि वो दोनों साइड आप जितना एक्सटेंड करना चाहते हो उतना हो सकता है. ओके. और उसको आप कैसे उसको नेम कर सकते हो? कैपिटल अल्फाबेट. ओके. ए बी सी डी, अब इधर सी एंड डी भी लिख सकते हो है ना, एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो, कोई भी आपको कैपिटल अल्फाबेट आपको इधर उसका नेम देना है. ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट अ लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट है वो क्या है? पार्ट ऑफ अ लाइन. ओके. It has a definite length and two end point. उसको आप definite कैसे करोगे? हाँ, कि definite length, मतलब इसकी जो length है वो definite होती है. Okay? And two end points. इसमें two end point होते हैं, endless नहीं होता है. क्या? उसके two end point होते हैं. Okay? It is named by using capital letters of English alphabet. Okay. For example,
यहाँ पर पॉइंट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो ये कौन सी लाइन है? सेगमेंट लाइन है। क्या? सेगमेंट लाइन है। ओके, ए एंड बी आर इट्स टू एंड पॉइंट। ए है, एंड बी है, वो उसके एंड पॉइंट है। बस अभी वो उससे एक्सटेंड नहीं हो सकते क्योंकि इधर पॉइंट आ गया है, एरो नहीं है। लाइन में एरो था मतलब कि वो एंडलेस, वो एक्सटेंड होता जा रहा है। और लाइन सेगमेंट है, उसमें दो पॉइंट है, तो ये क्या है? उसके एंड पॉइंट है। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है, एंड टू एंड पॉइंट्स होते हैं। वो आपको याद रखनी है, लाइन सेगमेंट मतलब कि उसके दो एंड पॉइंट सो होते हैं एंड डेफिनेट लेंथ होती है। ओके, और आप इसको नेम कैसे दे सकते हो? कैपिटल अल्फा बेट से आप इसको दे सकते हो। ओके, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, कैपिटल लेटर सी में ही आपको लिखना है, आप इधर ए बी लिखो, सी डी लिखो, कोई भी लिख सकते हो, पर वो कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ओके, सो पॉइंट मींस की क्या होता है? डॉट। ओके, लाइन की जो एरो वाली लाइन होती है उसको लाइन बोलते हैं, एंड लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? ऐसे दो एंड पॉइंट होते हैं उसको सेगमेंट लाइन बोलते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, अरे, पैरेलल लाइंस एंड प्लेन फिगर्स फ्रॉम लाइंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पेंसिल एंड रूलर। आई टेक चॉक एंड रूलर। ओके, रूलर मींस स्केल। ओके, वी पुट ruler on plane surface. Okay, we make two points. We make two points. Okay, and name them P and Q. Okay, we make two points and name them P and Q. Okay, now we join P and Q and measure the line segment. ये line है हमने की, okay? वो अभी हमें measure करनी है कि वो कितने सेंटीमीटर है। तो आपको आपकी scale से measure करना है कितने सेंटीमीटर है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की है। ओके, अगर आपको कोई बोले कि चलो आप लाइन बनाओ तो ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, आपको कोई लाइन सेगमेंट बनाने को बोले, ये क्या है? सेगमेंट लाइन पी एंड क्यू। आपको कोई बोले कि चलो आप 6 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो आपको पहले क्या करना है? जहां पे 0 दिया हो वहां पे पॉइंट करना है एंड 10 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है। ओके, सेगमेंट लाइन। तो पहले आपको 0 दिया हो वहां पर करना है, देन आपको 10 दिया हो वहां पर करना है, फिर ये दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। ओके, फिर आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो, एक्स वाई भी दे सकते हो। और ये लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर है, तो आपको इधर लिखना है। आपको स्केल में देखना तो आता होगा, है ना, कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। वैसे आपको कोई बोले कि चलो 10 सेंटीमीटर की लाइन करो, सेगमेंट लाइन बनाओ, तो ये क्या हुई? हाँ, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ओके, ये क्या हुई? लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट टॉपिक अ रे। अ रे इज अ लाइन हैविंग एन इनिशियल पॉइंट विच एक्सटेंड एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो लाइक अ रे ऑफ लाइट। तो रे है वो किसको कहते हैं? रे इज अ लाइन हैविंग एन इनिशियल पॉइंट विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो लाइक अ रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल हमें लाइन करते रे किसको कहते हैं? ओके, तो यहाँ पे पॉइंट है, ओके, एंड यहाँ पे एरो है। तो जहां पे एरो है वो क्या?
इसको क्या हम लोग बोलते हैं रे ए बी, ओके रे लाइन ए बी, ओके रे ए बी, या फिर आप सीरीज भी दे सकते हो, एक्स वाई भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं रे ए बी। यहाँ पे एक पॉइंट आता है एंड दूसरी तरफ जो जिस साइड एरो होता है वो आगे एक्सटेंड होता ही जाता है, होता ही जाता है, उसका कहीं पर है नहीं है। पर जहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे हमने ए लिखा तो यहाँ पे पॉइंट है, ओके मींस वो उसका एंड है, ओके ये इसका एंड है। जहाँ पर आपको एरो दिखे तो उसका कोई एंड ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस को किसको कहते हैं? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर नो मैटर हाउ मच यू एक्सटेंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ टू लाइंस, ओके ऑपोजिट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ओके। तो
इसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं. ओके, देन लाइन. तो लाइन किसको कहते हैं? हाँ, लाइन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं. इसके दोनों साइड क्या होता है? एरो होता है. लाइन ए बी. क्या? लाइन ए बी. ओके, लाइन कैन बी एक्सटेंड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड. ये दोनों साइड है, उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हो. इधर दोनों में आप देख सकते हो कि एरो है, तो ये क्या है? लाइन ए बी. ओके, देन लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट है वो किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट हैज अ डिफाइंड लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स. इट इज नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो लाइन सेगमेंट है, उसका क्या होता है? डिफाइंड लेंथ, मतलब कि उसकी जो होती है. ओके, ये लाइन है, तो यहाँ पे एरो नहीं है, मतलब कि वो भी आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसको इधर एरो नहीं दिए है. ये क्या है? इसके टू एंड पॉइंट्स है. क्या है? टू एंड पॉइंट्स है. तो इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी. एंड ये क्या है? लाइन ए बी. ओके, जिसके दोनों साइड एरो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइन ए बी. एंड जिसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी. इधर ए बी लिखा है, आप इधर कोई भी नेम दे सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3. तो इसमें क्या करना है आपको? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइन द गिवन पॉइंट्स. आपको इधर पॉइंट्स दिए हैं, तो ये पॉइंट्स को आपको जॉइंट करके, ज्वाइंट करोगे तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बनेगा, क्योंकि इधर दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं. ओके, तो आपको स्केल की यूज करनी है. ओके, तो इन दोनों को ज्वाइंट करना है. तो ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट पी क्यू. क्या हुआ? लाइन सेगमेंट पी क्यू. देन सेकेंड पॉइंट्स दिए हैं दो, उसको आपको क्या करना है? ज्वाइंट करना है. ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट एम एन. क्या हुआ? लाइन सेगमेंट एम एन. देन थर्ड है लाइन सेगमेंट ई एफ. एंड फोर्थ वाला है वो आपको खुद करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट. हमने ये सब कुछ डिटेल्स में हमने सीख लिया. ओके, तो इसमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड मेजर इट. द कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट वी डू द फॉलोविंग. वी टेक अ पेंसिल एंड रूलर. रूलर मीन्स की स्केल. देन वी पुट द रूलर ऑन अ प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस उसके ऊपर आपको क्या रखना है? रूलर रखना है. वी मेक टू पॉइंट्स एंड नेम देम पी एंड क्यू. यहाँ पे आपको स्केल दिया है, ये क्या है? रूलर है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? पॉइंट करना है ना, दोनों साइड से पॉइंट करना है. कोई भी पॉइंट आप ऐसे करके ऐसे. ओके, देन वी जॉइन पी एंड क्यू एंड मेजर द लाइन सेगमेंट पी क्यू यूजिंग द रूलर. तो फिर आपको ऐसे रखा स्केल. ओके, फिर यहाँ पे डॉट किया एंड यहाँ पे डॉट किया, फिर इन दोनों को जॉइंट करना है. और फिर आपको स्केल की यूज से आपको ये मेजर करना है कि ये कितने सेंटीमीटर का है. ओके, कितने सेंटीमीटर का है ये? यहाँ पे जीरो है, जीरो से लेके यहाँ पे हमने पॉइंट किया, तो ये कितने सेमी का हुआ? 4 सेंटीमीटर का हुआ. सी एम मीन्स की क्या होता है? सेंटीमीटर. ओके, तो फिर ऐसे आपको कोई बोले कि चलो आप है ना कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजरिंग 5 सेंटीमीटर. आपको कोई बोले कि चलो आप कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट आपको बनानी है ए बी, और उसका नेम क्या देना है? ए बी इन मेजरिंग 5 सेंटीमीटर. आपको सेंटीमीटर दे दिया होगा. ओके, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो लुक एट द पिक्चर्स एंड सी हाउ अ लाइन सेगमेंट
इज मेड. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस द रूलर एंड मेक अ पॉइंट अबाउट द जीरो मार्क ऑन द रूलर, नेम इट ए. तो सबसे पहले आपको ये स्केल रखनी है, ओके. फिर आपको जीरो है वहां पे पॉइंट करना है, क्या जीरो है वहां पे पॉइंट करना है, ओके. देन क्या करना है, नाउ मार्क अ पॉइंट अबाउ द लाइन मार्क डिफाई ऑन द रूलर एंड नेम इट बी. तो हमें क्या करना है, इधर क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर का करना है ना. तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जीरो पर आपको पॉइंट करना है और उसको नाम देना है ए, यहाँ पे दिया हुआ है. देन आपको सेकेंड पॉइंट करना है 5 सेंटीमीटर जहाँ पे आता है वहां पर करना है, फिर उसको नेम देना है बी, ओके. देन आपको क्या करना है, अपने जो टू डॉट्स किए, एक तो जीरो सेमी लिखा है वहां पे एंड जहाँ पे फाइव लिखा है वहां पे, फिर वो दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है. ज्वाइन द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, पॉइंट कर दिया, फिर आप ऐसे हाथों से नहीं करना है आपको, पर रूलर का आपको यूज करना है, ओके. तो ये हो गया, ओके. यू हैव मेड अ लाइन सेगमेंट, वी विल मेजर इट एंड सी हाउ लॉन्ग इट इज. तो हमने ये कितने सेंटीमीटर का बनाया है लाइन सेगमेंट, 5 सेंटीमीटर. वैसे आपको अलग अलग सेंटीमीटर का बोले कि चलो 2 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट बनाओ तो आपको अभी आ जाना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक एंड नेम देम. तो यहाँ पे अलग अलग सेंटीमीटर दिए हैं तो उसकी आपको लाइन बनानी है, तो चलो हम देखते हैं कि वो कैसे बनती है, ओके. तो हमें क्या करना है अभी, जो एक्सरसाइज नंबर 8.4 है वो आपको किसमें करनी है, आपकी फेयर बुक में करनी है, ओके. तो चलो इधर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी स्केल लेनी है, ओके. फिर रखना है आपको बुक के ऊपर, फिर क्या करना है, जीरो है वहां पे आपको सबसे पहले पॉइंट करना है, ओके. एंड फाइव है, फाइव कहाँ पे है, 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 जहाँ पे आए वहां पे आपको पॉइंट करना है, ओके. 5 मीन्स कि यहाँ पे आपको बड़ा दिया है, बड़ी लाइन दी है, आप देख सकते हो इधर ये वाली, ओके. बड़ी 5 के पास जो बड़ी लाइन है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर तक हुआ, ओके. यहाँ बीच है, बीच में है वो तो क्या हुआ, 5.5, फिर 6, देन 6.5, देन 7. तो आपको क्या करना है, जो 5 के बाजू में बड़ी लाइन है उसके वहाँ आपको पॉइंट करना है, ओके. तो पॉइंट कर दिया हमने और पॉइंट का नेम दे देना है पी एंड क्यू, आप कोई भी नेम दे सकते हो. फिर आपको दोनों पॉइंट ज्वाइंट कर देने हैं. तो ये कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हुई, हाँ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ओके. देन 3 सेंटीमीटर, ओके. सी एम मीन्स की सेंटीमीटर. तो फिर अब क्या करोगे, जीरो पे सबसे पहले पॉइंट करोगे, देन 1 2 एंड 3, 3 के पास जो बड़ी लाइन है वहाँ पे आपको पॉइंट करना है, ओके. फिर इसको नाम दे देंगे हम एक्स वाई, ओके. एंड देन दोनों पॉइंट है उसको ज्वाइंट कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स. देन थर्ड 7 सेंटीमीटर. तो भी आप क्या करोगे, हाँ जीरो है वहाँ पे पॉइंट करोगे, ओके. सबसे पहले तो देन 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो जहाँ पे 7 दिया है वहाँ पे आपको पॉइंट करना है, ओके. फिर आप नाम कोई भी दे सकते हो, मैंने दिया बी एंड सी. फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देने हैं. तो ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट बी सी. ये क्या है, लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लाइन सेगमेंट बी सी, ओके स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट 4 5 6 7 एंड 8 ड्रॉ बाय योर ओन.
ओके स्टूडेंट्स। देन अ रे, तो रे मीन्स के क्या होता है, अ रे इज अ लाइन हैविंग एन इनिशियल पॉइंट विच एक्सटेंड एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो लाइक अ रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल डो ड्रो अ रे सी डी। तो रे मीन्स क्या होता है, हाँ रे में एक साइड पॉइंट आता है, एक साइड एंड आ जाता है उसका, एंड दूसरी तरफ एरो होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो एक्सटेंड आगे आगे होता ही रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता है। जहाँ पे एरो होता है वो उसका कोई भी एंड नहीं होता है, वो आप कितना भी एक्सटेंड करो वो आगे आगे चलता ही रहता है। दिस इज अ रे सी डी। तो ये क्या है, दिस इज अ रे सी डी। क्या सी डी, इट हैज एन इनिशियल पॉइंट सी डी, ये इनिशियल पॉइंट है ओके। एंड D is any point on the line. D को आप लाइन पे कोई भी D है ओके, उसको आप लाइन में कहीं पर भी पॉइंट करके उसका नेम दे सकते हो ओके। आपको A, रे A, B भी नेम दे सकते हो, कोई भी आप नेम दे सकते हो। द रे कैन बी एक्सटेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरो है वहां पे वो क्या होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा ओके। पर यहाँ पे पॉइंट है इसलिए यहाँ से वो आगे एक्सटेंड नहीं होगा, यहाँ पे एरो है इसलिए वो आगे आगे एक्सटेंड होता जाएगा ओके। स्टूडेंट्स ने पढ़ा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मीन्स की क्या होता है, प्लेस योर रूलर ऑन द पेपर। रूलर है वो आपको क्या करना है, पेपर पर रखना है। होल्ड इट फर्मली, draw two lines on each using opposite sides of the ruler. They will look something like this. तो आप ऐसे स्केल रखोगे, फिर यहाँ पे एक लाइन करनी है एंड देन नीचे लाइन करनी है ओके। फिर उसको नेम देना है ए बी, देन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। द टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल ओके। तो ये ए लाइन ए बी आप देख सकते हो दोनों साइड एरो है, मीन्स क्या हुआ, ये लाइन ए बी एंड लाइन सी डी है, वो दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। ये आप एक्सटेंड करो, सी डी भी एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करो, पर ये आगे जाके कभी भी मिलते नहीं है ओके। पैरेलल लाइन्स आर द लाइन्स दैट नेवर मीट ईच अदर नो मैटर हाउ मच यू एक्सटेंड देम। अब कितना भी एक्सटेंड करो पर वो कभी मिलते नहीं है, नेवर मीट ईच अदर। द रग्स ऑफ अ लैडर, द बार्स इन एन एबाकस, ओपोजिट साइड्स ऑफ अ विंडो, द टू एजेस ऑफ दिस बुक, ईटीसी। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल है। आप जो सीढ़ी होती है हमारे घर पे है ना, सीढ़ी होती है तो उसमें आप करोगे, उसको आप कितना भी एक्सटेंड करो पर वो कभी भी मिलते नहीं है। देन एबाकस होता है ना, तो उसमें टू लाइंस ऐसे होती है ऊपर, तो वो भी कभी भी मिलती नहीं है। देन ओपोजिट साइड्स ऑफ विंडो, विंडो की जो टू लाइंस होती है आपको साइड्स दिखती है, तो वो भी कभी भी मिलती नहीं है। देन टू एजेस ऑफ दिस बुक, ये बुक है उसकी ये टू साइड्स है, तो वो भी कभी मिलती नहीं है, नेवर मीट ईच अदर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स ओके। देन प्लेन फिगर्स फ्रॉम लाइन्स, लुक एट दिस फिगर, ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट अ शेप दैट इज फॉर्म्ड विथ लाइन्स। तो यहाँ पे जो एक शेप बना है वो किसकी हेल्प से बना हुआ है, लाइन की हेल्प से। सम ऑफ देम आर फेमिलियर टू यू एंड सम आर न्यू। तो आप कोई भी लाइन बनाओ ओके, उससे एक शेप बनता है, तो कई शेप ऐसे है जो फेमिलियर है और कई न्यू है ओके। सम ऑफ देम आर फेमिलियर एंड सम आर न्यू। दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये
लाइन सेगमेंट है, ओके लाइन सेगमेंट मतलब कि उसका दो एंड पॉइंट होते हैं, तो ये किसकी हेल्प से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ईच सेगमेंट फॉर्म्स वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो एक साइड है रेक्टेंगल की वो क्या है, हाँ ईच सेगमेंट मतलब कि ईच सेगमेंट फॉर्म वन साइड, ये वन साइड हुई, ये टू साइड, ये थ्री साइड एंड ये फोर साइड, ओके तो कितनी साइड हुई, फोर साइड, वो किससे बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से, ओके एज यू कैन सी इट हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टिक्स और कॉर्नर्स, वर्टिक्स और कॉर्नर वन टू थ्री एंड फोर, ओके वर्टिक्स मीन्स की कॉर्नर होता है, कॉर्नर मीन्स की वर्टिक्स, ओके द लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो लाइन सेगमेंट ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, एंड द लाइन सेगमेंट बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ओके स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव लर्न टुडे, यस वी हैव लर्न अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्टिंग